वेलकम टू असलम प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। कैसे आप सब? वेरी नाइस। आज एक बार फिर हमारे पास दो बड़े गेस्ट। बजट ही इतना है कि छोटे गेस्टों से बात ही नहीं बन पा रही। जो हमारे पहले गेस्ट हैं, मुल्क के मारूफ एंकर, जियो पे एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं आपस की बात, आपकी भरपूर तालियों में, द अमेजिंग मुनीर फारूक। कादिर हज़रत, आज की जो हमारी दूसरी गेस्ट है वो मेरे वालदैन को पसंद है, वो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, वो मेरी बेटी को भी पसंद है। पाकिस्तान की टॉप कॉमेडियन, आर्टिस्ट, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द ग्रेट बुशरा अंसारी। यस, आइए, बसती रहनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि अब ये फॉर्मूले पुराने हो चुके हैं। लेडीज फर्स्ट। हाँ, नहीं भाई, ये पुराने हो चुके हैं। अब एक एज के बाद ना, 40 के बाद लेडीज और मर्दों में फर्क नहीं रहता। अभी भी 2 साल बाकी हो गए ना फिर तो मैडम। हाँ, अच्छा मुनीब भाई, आपका शो है आपस की बात। जा, जब ये आपस की बात थी तो आप टीवी पे क्यों कर रहे हैं? इतनी वो आपस की बात है कि वो शायद लोगों को बतानी चाहिए। वो हम सबकी आपस की आपस की बात, हम सब लोगों के साथ, व्यूअर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ की आपस की बात। ये बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको छेड़ भी नहीं सकता इस बात। नहीं, इसका क्या होता है कि जब आप किसी की चुगली करने लगते हैं तो इधर उधर देखे थे कि आपस की बात है, बट यहाँ तो हम सबकी चुगलियाँ सबके सामने करते हैं। अच्छा बुशरा आपा, आप एक्टर, कॉमेडियन, राइटर, यानी कि सिंगर में सबसे ज्यादा क्या, आप गाने आपके, मैंने वो मुझे याद है माइकल जैक्सन का जो आपने वो बनाया था पूरा पैरोडी, इट्स माय लाइफ। फिर आप कॉमेडी में तो आप अक्सर लोग कहते हैं मुईन अख्तर, उमर शरीफ, मगर मुझे ऐसा लगता है मुईन अख्तर, उमर शरीफ, बुशरा अंसारी, ये ट्रियो जो था वो पाकिस्तान का टॉप कॉमेडी ट्रियो था। बिल्कुल। अच्छा मैम, इसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या है आप? हाय, जो गाने का मजा आता है ना वो किसी चीज का नहीं आता। अब मैं 2 बोल तो सुनूंगा आज से आप। अच्छा, 2 बोल तो बुरी बात होते हैं। इतनी दफा, कितनी दफा 2 बोल सुना? नहीं, डर लगता है ना कि असल में बजट इतना सा था कि मैं 3 बोल बोल दूं तो बोले नहीं भाई, 2 बोल का ही बजट था। हाँ नहीं, गाने का मजा बहुत है, लेकिन सच्ची बताऊं उसके बाद लिखने का भी बहुत मजा है। मैं क्या कहती हूँ कि कभी कभी लिखने में भी अच्छा सुर लग जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। नजम सेठी के साथ अपने अरसा गुजार, अब वो चले गए अपनी चिड़िया लेके, अब आपकी अपनी पर्सनल चिड़िया है, उनकी चिड़िया में और आपकी चिड़िया में क्या फर्क है? देखिए, मेरी चिड़िया जो है वो सोमो सलाद की पाबंद है। शरीफ चिड़िया? जी, शरीफ चिड़िया। और वो रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहती। कभी आपने नजम साहब की चिड़िया अपनी आंखों से देखी है? नहीं, लेकिन वो मैं अब आपको क्या बताऊं कि वो इतनी छोटी चिड़िया, इतनी छोटी और इतनी कैरेक्टरलेस चिड़िया थी कि वो हर किसी के साथ सेट हो जाती थी। सही है, इसको यहीं पे तमाम करेंगे इस डिस्कशन, कहीं चिड़िया उड़ना चाहिए। अच्छा मैम, आपकी केमिस्ट्री किसी से मैच करती थी अपने जमाने में? हाँ, अनवर मकसूद और मुईन अख्तर। मेरा जमाना अभी तक है वैसे। हर जमाना ही आपका जमाना है, मेरे अब्बू के जमाने में किसी से केमिस्ट्री मैच करती हमेशा मुईन से, अनवर साहब से, बैरोज से, बहुत। मगर रोमांटिक केमिस्ट्री मैच नहीं करती थी? नहीं नहीं, आपकी वो तो क्या ही बताएं, वो तो हमारे सहेले थे सबको, हमने कभी उनको मर्द नहीं समझा, उन्होंने कभी औरत नहीं समझा। हम क्या करते थे, मजे की बात, हम सब खवातीन गर्ल्स, हम खाने करते, लंच पे डिनर पे चले जाते थे, मैं, सबा, रुबीना, अशरफ, लेडीज लोग, हाँ, मरीना, हम लोग, तो सायरा काजमी, तो हमने हम बैरोज को बुला लेते थे उसमें। एक दिन कहने लगा, तुम लोग सारी के सारी, कोई आदमी नहीं आता, किसी का खावन नहीं आता, मुझे क्यों बुला लेती हो? हमने तुम्हें कभी मर्द समझा ही नहीं। लंदन से आपने एजुकेशन हासिल की, लोग यूजुअली वहाँ से असाइलम हासिल करते हैं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। अब इंशाल्लाह अभी तक नहीं पड़ी, ये अभी तक कह लें आप। हाँ, अभी तक नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है, आगे भी उम्मीद है नहीं पड़ी। इस महीने की 35 तारीख का इंतजार, खुदा ना खास्ता पड़ी ना जाए। अल्लाह रहे। आपने वहां से लंदन से हासिल की, और किस चीज में हासिल की? लॉ। अच्छा, एंकर को ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है वकील को? वकील को, एंकर झूठ नहीं बोलता। नहीं, एंकर अगर झूठ बोलेगा तो वो ज्यादा अरसे तक छुपा नहीं सकता।